नमस्कार दोस्तों, मैं सनन मोटर से हरीश और आज फिर आपका स्वागत करता हूं सनन मोटर वर्कशॉप के अंदर। ये देख सकते हो आज हमारे पास में जो आई हुई है स्विफ्ट 2022 मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है ये। और इसकी अपने को सर्विसिंग करनी है, नॉर्मल सर्विस। तो इसमें जो कस्टमर का कंसल्टेंट, एक तो स्लो पे बंद हो जाती है और एक चेक लाइट इसके अंदर शो हो रही है। तो सबसे पहले अपन अपने P70 प्रो से इसको स्कैन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या DTC आ रही है आपके साथ में शेयर करेंगे। देख सकते हो क्लस्टर के ऊपर 18,205 किलोमीटर रन कर चुकी है गाड़ी, और ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो आप देख सकते हो जो माल फंक्शन की लाइट कंटिन्यू बनी हुई है, बताते हैं P70 प्रो के साथ में। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारी स्विफ्ट चेक लाइट अभी कंटिन्यू बनी हुई है और हम स्कैन कर चुके हैं। इसके अंदर जो P0171 फ्यूल सिस्टम, ठीक है, फ्यूल सिस्टम 2 लीक बैंक नंबर 1 का आ रहा है, इसको क्लियर करके देखते हैं। हिस्ट्री के अंदर है, बैग जाएंगे, क्लियर, ओके ओके। अभी देख सकते हो अपनी जो वार्निंग लाइट है वो चली गई है, ये ओके। तो खोलते हैं इसका बोनट, ये बोनट की लोकेशन है। अभी कस्टमर का कंसल्टेंट ये भी है कि ये गाड़ी स्लो में बंद हो जाती है, तो इसकी टोटल बॉडी भी अपन क्लियर करेंगे अपने टोटल बॉडी स्प्रे के साथ में। दोस्तों देख सकते हो ये हमारा जो होस पाइप है एयर फिल्टर का, यहाँ से अपने को इस क्लिप को खोलना पड़ता है और यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, ओके। इस क्लिप को खोलना पड़ता है, ये वायरिंग इसकी यहाँ से डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है, प्लायर से इसको खोलो, यहाँ से ये फिल्टर का होस यहाँ से डिसकनेक्ट करना है अपने को, ओके। और यहाँ से इस क्लिप को अपने को प्रेस करना होगा, दबा के इसको निकालना है, ओके। ये 10mm का बोल्ट है, 10mm बोल्ट को अपने को यहाँ से रिमूव करना है। और जो पीछे लॉक में रहता है ये देख सकते हो, इन लॉक को अपने को थोड़ा सा खींच के इसको बाहर निकालना पड़ता है। अभी इसकी टोटल बॉडी स्प्रे से सर्विस करते हैं, करो स्टार्ट करो। देख सकते हो आप टोटल बॉडी क्लीनर, ले ओ। तो देख सकते हो ये हमारी जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट के नीचे हम आ चुके हैं। और ये जो इसका इंजन प्रोटेक्शन गार्ड है, इंजन की सेफ्टी के लिए होता है ये। और अपने को जो ऑयल ड्रेन का जो बोल्ट है वो इसी लोकेशन पे होता है, और यहाँ से हमें ये 3-4 स्क्रू जितने भी जो होते हैं वो रिमूव करने होते हैं, और एक पे रिपीट लगी हुई है, तो ये सिर्फ केवल इस तरह से घूम जाएगा, ओके। यहीं पे ऑयल फिल्टर की ये ऑयल फिल्टर की लोकेशन है, देख सकते हो हम। और ये इसका जो ड्रेन होल्डर है चेंबर का, ओके, इसको खोलते हैं, फिल्टर निकालते हैं, फुल फ्री करते हैं, उसका ऑयल ड्रेन करते हैं। अभी ऑयल फिल्टर भी इसका इंजन से रिमूव करते हैं और नया ऑयल फिल्टर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। देख सकते हो ये हमारा जो टूल्स है इसमें लग चुका है, और अभी इसको इंजन में से रिमूव करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा जो न्यू ऑयल फिल्टर है लग चुका है। दोस्तों देख सकते हो ये हमारा जो ऑयल फिल्टर है ये हमने न्यू लगा दिया है, और इसकी चेंबर की जो नट है वो भी टाइट कर दी है, ओके। तो दोस्तों ये हमारा ऑयल डालने की लोकेशन है, यहाँ से हम इसको ऑयल को फिलअप करेंगे। और आज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कैस्ट्रॉल GTX अल्ट्रा क्लीन 5W30 सिंथेटिक, ओके। हाँ डालो, छोड़ो इसको, छोड़ दो ऐसा, आड़ा करो इसको, हाँ ऐसे, ठीक, एक मिनट, वापस डालो, वापस निकालो, निकालो आराम से, ओके, ठीक है ठीक है। अभी इसकी कैप लगानी है, कैप साफ करो। अभी इसका केबिन फिल्टर चेक करते हैं, जाओ। ये केबिन फिल्टर की लोकेशन है।
तो दोस्तों देख सकते हो जो हमारी स्विफ्ट है इसका जो टायर है हमने इसमें से रिमूव कर चुके हैं। अभी देखते हैं इसकी ब्रेक पैड की क्या कंडीशन है, अगर सही हुआ तो कैलिपर पे हल्का फुल्का ग्रीस करके और इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ब्रेक पैड की अच्छी थिकनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो कैलिपर पिन है इसमें ग्रीस लगाते हैं लगाना। तो देख सकते हो इसका जो ग्रीस है वो ग्रीस जल चुका है। कपड़ोला साफ कर, ओके दोस्तों ये हमने ग्रीस लगा चुके हैं हम ये पिन के अंदर। अब इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नीचे वाली पिन पे हमने पहले ही ग्रीस लगा के कंप्लीट करके और इंस्टॉल कर दिया है। अब ये 12 mm का जो बोल्ट है ये 12 mm के बोल्ट को हम यहाँ से टाइट कर देते हैं। ओके चलो लगाओ इसका भी, लगाओ उधर का खोलो ये लगाओ। सर की बाल्टी लिया फटाफट अटे, हाँ अब उतारो, चला चलाओ तीन चार बार, हाँ चलाओ चलाओ, ठीक है ठीक। सही है, हाँ सही साढ़े हुआ है गाड़ी में तो चार ना था तो पूरा टायर लग गया, पाँच तो होने चाहिए। तो चार टायर की कितनी नेट हुई, चार चौक 16। तो दोस्तों वो लेफ्ट साइड का था और ये राइट साइड का है, अभी राइट साइड का भी क्लियर करते हैं। यो ग्रीस फिर भी ठीक है, देखो तो मैचिंग कालो पड़ गया। तो जा तुमको ए तेल पे नहीं जा तुमको, Thank you.
दो सी नहीं फोकस नहीं बना पा रहा ठीक है पास लगा दो ओनली फॉर सही बात बोली समझवा को तरीके माने आपने जो ये कॉफी मशीन आप बाल्टीला रेजमाला पहले नॉर्मल ब्रेक हुआ करते थे फिर निकले पावर ब्रेक और पावर ब्रेक के साथ में निकले एबीएस ला पेचर दे दो चल बस ठीक है चला उधर नीचे भी देख के चला कर नजर सब तरफ होनी चलो अरे रुक जे एयर फिल्टर ओके तो दोस्तों देख सकते हो बैटरी का जो पानी है वो कम्प्लीटली है इसके अंदर कोई समस्या नहीं है ठीक है सब में ओके है ठीक है तो दोस्तों ये हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है इसकी जो सर्विस है वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं एयर फिल्टर वगैरह सभी चीज़ लगा चुके हैं कूलेंट वगैरह भी हमने डाल दिया है इसके अंदर अब इसको स्टार्ट करते हैं ये स्टार्ट भी हो गई है ओके सारी चीज़ लेवल हमने कम्प्लीट कर दी है अभी इसको लास्ट प्रोसेस है इसको फिर से डायग्नोस करते हैं अपने P70 Pro के साथ में तो दोस्तों देख सकते हो जो अभी के जो इसके कोड जनरेट हो रहे हैं
जो अपनी सर्विस के जो कोड थे P0103 मार्क्स एयर फ्लो का सेंसर जो सर्किट है वो पेंडिंग के अंदर आ रहा है, तो इसको अपन पहले रिसेट करते हैं सक्सेसफुली। फिर से टर्बो कोड देखते हैं, कोई कोड नहीं है। ओके ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारी जो स्विफ्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है पेट्रोल वर्जन में। अभी कोई भी माल फंक्शन लाइट नहीं है, ये हैंड ब्रेक की आ रही है, ये भी ऑफ हो चुकी है। तो लेते हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव।